फ्रेंड्स, आपका गौरव की चाय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लौकी का बर्फी बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए इसका बनाने का तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक कद्दू लेंगे, आप जितना भी ले सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा बनाना हो। ये थोड़ा सा बनाना है इसलिए एक कद्दू लेंगे इस साइज़ का। इसको ऊपर से और नीचे की तरफ से काट देंगे, इसे हटा लें और इसे हम लोग अच्छे से छील के धो के हम लोग कद्दूकस कर लेंगे इसे। ये देखिए ये हम लोग कद्दूकस कर लिए हैं। चलिए बागे की तैयारी करते हैं। हम लोग एक कढ़ाई में दूध डालेंगे। ये एक कटोरा दूध है और आधा कटोरा दूध डालेंगे। टोटल हम लोग 1.5 कटोरा दूध लेंगे एक कद्दू के लिए। ज़्यादा बड़ा कद्दू नहीं है। इसे अच्छे से चला लें। जब एक बॉईल आ जाए तो इसमें हम लोग कद्दू डाल देंगे। कद्दूकस किया हुआ है ये, और इसे बॉईल आने देंगे और इसे हम लोग को तब तक पकाना है जब तक ये सूख के एकदम थोड़ा सा ना हो जाए, इसके सारी पानी दूध सब सोख ले, तब तक हम लोग को इसको पकाना है। ये देखिए बीच बीच में चलाते रहें कि नीचे से चिपके ना। ये देखिए अच्छे से इसे नीचे से चलाते रहें और हम इसे पकाते हैं। इसे हम लोग को करीबन 20-25 मिनट पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा ना हो जाए। ढक के भी इसे पका सकते हैं, खुला में भी पका सकते हैं। ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। बीच बीच में चलाते रहे। अच्छे से चला ले। इसे हम लोग फिर से और पकाते हैं। 20-25 मिनट इसे हम लोग को अच्छे से पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा ना हो जाए। इसे ढक के और पका ले। ये देखिए ये थोड़ा सा एकदम हो चुका है, अच्छे से इसका पानी दूध सब सोख लिया है कद्दू में। इसमें हम लोग चीनी डालेंगे, जितना आपको मीठा पसंद होता है चीनी डालें। और ये गड़ी मुरादा है, ये मार्केट का है, आप ला के डाल सकते हैं या इसे अच्छे से चला लें। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और पानी आता है, तब तक किसको पकाना है। और ये ग्रीन कलर का फूड कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है, येलो रेड, आप चाहे तो दो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके। हम लोग ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए एक और थोड़ा सा डाल देते, थोड़ा अच्छे से कलर आ जाए। इसे चला लेते हैं। हम लोग इसमें इलायची डाल देंगे टेस्ट के लिए। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। ये प्लेट में हम लोग नीचे तेल लगा लेते हैं। आप कोई भी साइज़ का कुछ भी ले सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है, काटना बर्फ़ी के शेप में, या फिर आपको जो भी शेप पसंद है आप उस तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल्ड। ऐसे गरम गरम इसमें फैला दें और फिर आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में से ढाल दे। ये देखिए हमने इसका स्क्वायर शेप में कर दिए हैं। और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसके ऊपर गढ़ी मुरादे से गार्निशिंग कर देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो हम लोग इसे पीसेस में कट कर लेंगे और इसे हम लोग फ्रीज में रख सकते हैं और ठंडा करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही खाने में टेस्टी लगता है। इस तरह की और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये देखिए इस तरह से नाइफ की हेल्प से काट लें। अब इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये और ठंडा होकर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो अच्छे से ये पीसेस कट हो जाएंगी।